दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार शोभा यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर पत्थरबाजी और छिटपुट आगजनी की बात सामने आई है। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि हालात नियंत्रण में है। कुशल सिनेमा के पास शाम 5 बजे ये घटना हुई। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भारी फोर्स को तैनात किया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच मामले की जांच करेगी। साजिश के एंगल से भी जांच की जाएगी। उपद्रवियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने दंगों को लेकर पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति की अपील की है। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं, क्योंकि इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्रीय राजधानी में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहांगीरपुर घटना को लेकर दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था से बात की है और उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान बवाल की घटना को लेकर यूपी में हाईअलर्ट जारी किया गया है। धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों और धर्म स्थानों के आसपास गश्त बढ़ाई गई है। सभी जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।